जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी एक दिवसीय दौरे पर सरगुजा पहुंचे। दरअसल अमित जोगी धौरपुर में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना जताने जा रहे थे। इसी दौरान कुछ समय अंबिकापुर रुककर प्रेस क्लब में उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी ने प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार पर सरगुजा में खनिज मामलों में GST के साथ BST लेने का आरोप लगाया है। देश में एक टैक्स प्रणाली लागू की गई है GST पर, हमारे छत्तीसगढ़ में और आपके सरगुजा संभाग में जो यहाँ पे व्यापारी हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उनको GST के साथ साथ BST भी पटाना पड़ रहा है। हर टन पर कहीं 25 रुपया, कहीं 30 रुपया, कहीं 50 रुपया BST के रूप में वसूला जाता है। जहाँ GST देने में लोग आनाकानी कर सकते हैं, BST को कड़ाई से वसूला जा रहा है। ऐसा भ्रष्टाचार का जो तंत्र है वो पहले कभी छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिला। ये तो आपको माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना पड़ेगा कि वो BST, ये BST क्या है। अच्छा, ये BST शराब पे भी लागू है क्या? शराब पे भी क्या लागू? शराब पे तो पूरा BST लागू है, GST तो लागू है ही नहीं। शराब एक ऐसी चीज है जिसमें GST नहीं लग रहा है, केवल BST लग रहा है। अमित जोगी ने हसदेव अरण्य के मामले पर चर्चा करते हुए कहा कि सभी दलों ने एकजुटता के साथ अपनी राय इस पर रखी। मेरा मानना है कि ग्राम पंचायत की सर्वोच्च संस्था ग्राम सभा ने जो प्रस्ताव पारित किया है उसका सम्मान होना चाहिए। वो सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। समर्थन कोई देना चाहे समर्थन दे, जिसको विरोध करना है विरोध करें, पर एक प्रस्ताव हमारी प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत ने पारित कर दिया है, उस पर जब आम सहमति बन गई है, सभी राजनीतिक दलों में सहमति बन गई है, तो उस पर अब काम होना चाहिए, कुछ ठोस समाधान निकलने चाहिए। वहीं सरगुजा में सूखे की स्थिति पर उन्होंने कहा कि बारिश लेट से हुई और अभी हो रही है तो सरकार वह न माने कि खेती हो गई। अभी भी 60 से 70% किसान इस असमंजस में है कि इस बार फसल कैसे होगी। किसी ने बुआई नहीं की है तो किसी ने पहले बोआ और बारिश लेट हुई, कई समस्या है। सरकार राहत के कार्य शुरू कराए और फसल बीमा व मुआवजा की कार्यवाही करे। सरगुजा में बरसात हुई लेकिन बहुत लेट बरसात हुई और इसके कारण आज क्षेत्र के जो 60 से 70% खेत हैं उनमें बुआई नहीं हो पाई है, रोपाई नहीं हो पाई है। सरकार को खुश नहीं होना चाहिए कि अभी बरसात हो गई इसलिए अब अकाल की स्थिति नहीं बनेगी। जो मेरे पास जानकारियां आ रही हैं, एक भयावह अकाल की स्थिति यहां पर निर्मित हो सकती है और इसलिए सरकार को अभी से कमर कस के काम करना चाहिए, राहत कार्य खोले जाने चाहिए, किसानों को सही समय पर बीमा और मुआवजा उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि अकाल की स्थिति से वे सामना कर सकें। पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यों को लेकर कहा कि एक कोर कमेटी का गठन जल्द होगा और फिर उसी के तहत विधानसभा चुनाव की तैयारी होगी। पिछले बार जब मैं आया था उसके बाद यहाँ खूब परिवर्तन आया, पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि भले ही मेरे कुछ पुराने साथी और हमारा जो दल है वो अलग हो गया है, पर मुझे पूरा यकीन है कि दिल हमारा आज भी एक है। और रही बात चुनाव की रणनीति को लेकर, तो यहाँ पर मैं अपनी पार्टी के कोर कमेटी का पुनर्गठन कर रहा हूँ। मेरे पिताजी के जो बहुत पुराने सहयोगी रहे हैं, उनके सुख दुख के साथी रहे हैं, श्री अतुल सिंह जी और श्री पी कुमार जी, श्री सुक्कू यादव जी, इन तीनों के नेतृत्व में हमारे कुसमी के पांडे जी भी हैं, तो ये जो चार लोग हैं इनके नेतृत्व में एक हाई लेवल कोर कमेटी बनाई जा रही है और हम लोग नए सिरे से जनता के बीच जाएंगे, यहाँ के मुद्दे लेकर लोगों के बीच जाएंगे, क्योंकि अब सरगुजा की जनता ने 15 साल BJP के देख लिए, ये 4.5 साल 4.5 साल कांग्रेस के देख लिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक जैसे ही, दोनों ने केवल लूटने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोग एक अब नया विकल्प तलाश रहे हैं और यहाँ अवश्य हमें मौका मिलेगा।